नवे सीएम साहब कह रहे कि असीं बाहरों अंग्रेजों को बुलावांगे पंजाब दा हेल्थ सिस्टम बनावांगे कि अंग्रेज आए काम करनगे इत्थे इहदे बारे तुसीं की कहना चाहुंदे देखो चलो कई बार असीं वैसे ही हवाई गल्लां कर दिंदे आं सियासी बंदे नूं इह जिहियां गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां बिजली तो हमने शुरू कर 300 यूनिट जी माफ करनी है बीबियां 1000 रुपया देना शुरू करने जो वायदा किया बाकी काम तो चलो हौली हौली चली जाने ने सो करने चाहिए ने मुलाजमान को क्या असं पक्के कर देंगे आंदा सारे हूँ साल एक्सटेंड करती उन्होंने सो ये गल्लां च मैनू नहीं लगता टाल मटोल करके टाइम टपाउणगे कोई सिरे लगती नहीं लगती गल कोई इन्हां दी जिहड़ी के सिरे लाउणगे लोगों ने एड्डा वड्डा फतवा दिता जिहड़ा लोगों ने वायदे किए आम आदमी पार्टी से असं आस करांगे कोई सारे वायदे पूरे करे जे वायदे पूरे करूंगे आम आदमी पार्टी घट्टो घट्ट मैं जरूर कहूँगा भी चंगी गल की इन्होंने वायदे पूरे किए ने मैं वैलकम करूँगा इसका पर जो सिस्टम है पंजाब का जो असीं वेख्या असीं भी 10 साल सरकार चलाई है 5 कांग्रेस ने भी हुण चला ली 50 साल का 45 साल का 46 साल का मैं साथ दे विच है मैनू सारी स्थिति का पता है स्टेट की का ये सबब नहीं है जिहड़ा कुछ कहा झूठ बोल के सत्ता च आ गए केजरीवाल साहब बड़े सियाने लीडर ने बड़े वड्डे लीडर ने इस वेले पर झूठ बोलते इन्नी सफाई ना झूठ बोलते कि लोगों को पता नहीं लगन देंगे अगे तो जिम्मे आप भुक्की की गल कर ली भुक्की का जो कोई किलो भी लिया एड्डी सारी पोटली जी बन जाती है तो चिट्टा तो भी इन्नी कि पुड़ी जी बनती है कितने लकोला जिते मर्जी मैं पग के लड़च दे ला चाहे कितने लकोला यदा की पता लगता सत श्री अकाल दोस्तों शब्द चैनल देख रहे हो तुम मैं थोड़ा साथी रजत अज असी पहुंचे हाँ मलूका पिंड विखे जिथे साडे नाल एक्स कैबिनेट मंत्री मलूका जी मौजूद ने गलबात करते आप करण मुद्दे से ठीक है सर जी सर आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जित हुई है इस बार इस तरह की जित 1997 श्रोमणी अकाली दल भी मिली की कहना चाहते हो तुम ये बारे इस जित का मतलब की देखो लोगों का मर्जी होंगी है पब्लिक की मर्जी है साड़ी 77 भी एड्डी वड्डी जित हुई सी 97 भी एड्डी वड्डी जित हुई सी जिवें तुसीं कहा तो हुण आम आदमी पार्टी की सानू 93 सीटां आईयां सी इन्हां नूं 92 आईयां जित बहुत वड्डी हुई है कोई रौला नहीं इस गल दे विच दो मालवा खेत्र खास करके तकरीबन क्लीन सी सारी लोगों ने एड्डा वड्डा फतवा दिता जिहड़ा लोगों ने वायदे किए आम आदमी पार्टी की असं आस करांगे कोई सारे वायदे पूरे करे जे वायदे पूरे करूंगे आम आदमी पार्टी घट्टो घट्ट मैं जरूर कहूँगा भी चंगी गल की इन्होंने वायदे पूरे किए ने मैं वैलकम करूँगा इसका पर जो सिस्टम है पंजाब का जो असी वेख्या असी भी 10 साल सरकार चलाई है 5 कांग्रेस ने भी हुण चला ली 50 साल का 45 साल का 46 साल का मैं साथ दे विच है मैनू सारी स्थिति का पता है स्टेट की का ये सबब नहीं है जिहड़ा कुछ कहा झूठ बोल के सत्ता च आ गए केजरीवाल साहब बड़े सियाने लीडर ने बड़े वड्डे लीडर ने इस वेले पर झूठ बोलते इन्नी सफाई ना झूठ बोलते कि लोगों को पता नहीं लगन देंगे सो ये सारा कुछ झूठ बोल के सत्ता च आए ने ये होना नहीं संभव नहीं है जो कुछ कहा या किया जो असं कर देंगे ये संभव नहीं है कर देना मैं तो कहना मैं फिर कहना कि मैं सब तो पहला मैं करूँगा धनबाद जी ने करता है लोगों का इन्होंने 5 साल का फतवा मिले पड़ावारबाजी कर देने बिजली तो हमने शुरू कर 300 यूनिट जी माफ करनी है बीबिया 1000 रुपया देना शुरू करने जो वायदा किया बाकी काम तो चलो हौली हौली चली जाने ने सो करने चाहिए ने मुलाजमान को क्या असं पक्के कर देंगे आंदा सारे हूँ साल एक्सटेंड करती उन्होंने सो ये गल्लां च मैनू नहीं लगता टाल मटोल करके टाइम टपाउणगे कोई सिरे लगती नहीं लगती गल कोई इन्हां दी जिहड़ी के सिरे लाउणगे सर नशे का बहुत वड्डा मुद्दा पंजाब दे विच पिछली बार कांग्रेस सरकार ने भी गल कही सी सरकार आने तो पहले कि महीने के खत्म कर देंगे आम आदमी पार्टी भी गल कह रही कि 6 महीने के ठल पा लेंगे तुम्हें की लगता अज भी बहुत मौत हो रही है रोज़ ही नौजवान मर रहे हैं अगे भी कहा मैं हूँ भी कहना कि नशे कोई कल्ले पंजाब च नहीं है नशे सारी दुनिया के ही है मैं तो 35 मुल्क वेखे लोगों के कनेडा अमरीका आस्ट्रेलिया जर्मनी उत्थे भी जाके मैं पुछदा रहा नशे बारे सारे नशे उत्थे है रौला नहीं है जिम्मे अपने ज्यादा रौला ना ए रौला नहीं फीम भुक्की तो गिणते ही नहीं उत्थे कुछ उन्होंने है ही नहीं कोई चीज़ जी जो मर्जी मंगा ला उ मिलती चीज़ सारी सो उत्थे ये शोर शप्पा नहीं है सारे पंजाब क्योंकि थोड़ी जी फारवर्ड स्टेट इतने रौला रप्पा ज्यादा पैंदा मीडिया भी स्ट्रोंग है सारा पैंदा नशा बंद होना चाहिए मैं बिल्कुल मैं आप कोई नशा नहीं करता तो मैं चाहना भी हूँ कि सारे नशे बंद होने चाहिए है खास करके जिहड़े आ नशे चिट्टा है जां टीके है बहुत खतरनाक है इहदे नाल बंदे की जिंदगी 3 साल है वध तों वध तो खास करके नौजवान जिहड़े 22-23 साल तो थले वाले है ना 25 साल तो वो ही कर रहे हैं ज्यादा एक तो छोटी उम्र होंगी जो बंदे का शरीर ही वैसे कच्चा होंगे नशे उन्हें छेती खा जाते हैं सो ये नशे ये तो नशे ने किन्ने घर के घर जाड़ते रोज़ 2-2 3-3 बच्चे मरते अपने बठिंडे कल 2 मर गए होर भी थाई मरे हो सो जिते मावां दे पुत मरते घर ही जाणदा भी किवें नुकसान हो जाता फिर घर का उजाड़ा भी होंदा क्योंकि नशा बहुत महंगा है 4-5 हज़ार का तो एक दिन च ही खा जांदे इह नशा तो तुम वेख लो भी घर भी उजड़ गया तो बंदा भी गया सो ये नशियां नूं सख्ती नाल असीं सारे नाल है सरकार दे इस मसले ते जिथे कहो भी सरकार असीं चलण नूं तैयार है ये नशा तो बिल्कुल चिट्टा गोलियां टीके जिन्नी मर्जी सख्ती करनी पवे सरकार नूं जिन्ना मर्जी सख्त कानून बदलने पैण बदल देण असीं नाल है ये तो हटाने चाहिए नहीं तो पंजाब तबाह हो जूगा बर्बाद हो जूगा सारा
ये बदलवें काम भी करने पैने हैं क्योंकि नशे अज के तो है नहीं सैकड़े साल तो जो पढ़ी इतिहास लोग नशे कोई ना कोई रूप के करते रहते हैं। पहला नशे होंगे सी फीम एक गांजा एक घर की शराब फिर अंग्रेज आ गए अंग्रेजी शराब आ गई ठेके वाली जी है फिर गौरमेंट आई या फिर पंजाब के कैरों साहब की आ गई उन्होंने फीम बंद करती फिर भुक्की भाकी खाने लग गए लोग बदल उन्होंने वो लभ लिया ये वो जो नशे यहोजे से जिन्हें कोई नुकसान नहीं होंगे फीम से ज गांजा से ज भुक्की से उन्होंने कोई नुकसान नहीं होंगे बंदे का बल्कि कम करते बजुर्ग सारे दसदे भी जोड़े कम बहुत करते जो कोई 10 रुपये की फीम खाता ही ज भुक्की खाता से वो 200 रुपये का कम करता किसी ने लड़ता नहीं भिगड़ता नहीं। मैं हूँ भी कहना कि गौरमेंटा उस पास कार्ड बना देने चाहिए जोड़े लोग नशा करते हैं नहीं तो पता लग जू आपू भी किन्ने लोग नशा करते हूँ तो पता ही नहीं किन्ने करते हैं एक दूजा मनता ही नहीं कोई जो कार्ड बना देंगे लोग कार्ड बना लेंगे फिर कार्ड बना के वह नशे जोड़े बंद मर नहीं देंगे वो कार्डा तो कोटा बन दे दे दिया कर सरकारी दुकाना खोल देन दे दे दे। आ फिर चिट्टे नशे हट जाएंगे फिर हटनगे इधरों लोग मुड़ जाएंगे उधर वो नशियां फिर हौली हौली असं हटाइए लोगों वो तो भी हटाइए वो भी क्यों कर उन्होंने तो भी हटाइए पर जे एकदम तुम कहो ये बंद कर दोगे होने नहीं इस लोट जिन्ना मर्जी कोई गौरमेंट जोर ला ले होना नहीं है चोरी अगे तो जिमें आप भुक्की की गल कर ली भुक्की का जो कोई किलो भी लिया एड्डी सारी पोटली जी बन जाती है तो यह तो चिट्टा तो भी इन्नी एक पुड़ी जी बनती है कितने लकोला जिते मर्जी मैं पग के लड़च दे ला चाहे कितने लकोला यदा की पता लगता ये जानी ज्यादा खतरनाक हो गई उदू गल सो ये चिट्टे ते टीके ते गोलियां तो बहुत सख्ती करनी चाहिए है। मेरी राय अपनी है कि दूजे नशे जिहड़े हैगे आ उन्हां दे कार्ड कूड बना के वह उन्ना चिर लोगों को देने चाहिए ने ते नाल दी नाल हस्पताल बना के पाँच पाँच चार चार पाँच पाँच सात सात दस दस पिंडां दा एक चंगा हस्पताल बना देन नशा छड़ाऊ उत्थे उन्हां नूं छड़ाउण भी फिर पता लग जाणा जिन्हां दे कार्ड बन गए आपां नूं विआह करदे आ उन्होंने छड़ाई भी फिर उत्थे आपां उधर भी लगी गए तो इधरों गंदे पासे भी हटाइए तो हटूगा वो नशे महंगे भी नहीं है तो वो लोग काम भी करता बंदा खा के किसी ने लड़ता झगड़ता भी नहीं तो घर भी नहीं कलेश पैंदा घर भी नहीं उजड़ते सो गवर्नमेंट नूं फैसले करने चाहिए है नशे वाले मामले तो असीं गवर्नमेंट के नाल पूरे मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के तुरंगे ये हटाने चाहिए है जो सख्ती करनी पवे करनी चाहिए। बेरोजगारी नाल बड़ा मंदा हाल है पंजाब का नवें सीएम साहब कह रहे कि असं बाहरों अंग्रेजों को बुलावे पंजाब का सिस्टम बनावे अंग्रेज आए काम करेंगे इतने ये बारे की कहना चाहते देखो चलो कई बार असं वैसे हवाई गल्ला कर दें सियासी बंद यह गल् नहीं कर चाहिए लोग सू आवाज करते होंगे ने मुख्यमंत्री बो बोलता उन्होंने तो बहुत दुनिया आवाज करती है मिनिस्टर बोलता उन्होंने भी बहुत लोग करते हैं जे एम एल ए भी बोलता तो उन्होंने भी लोग इवन सरपंच भी लोग वेंदे भी कहता सो यह गल्लों जो फ्राड करने वाली जोकों जिदे कोई दम नहीं है वो नहीं करनी चाहिए सियासी बंद इतें ही बहुत बेरोजगारी है नौकरियां तो इतें ही दे दो लोगों लोग तो चपड़ासी की नौकरी का अच्छी कढ़ दौ इश्तहार एक अर्जी के उत्ते 25,000 अर्जी आजूगी एक चपड़ासी की नौकरी के उत्ते स्थिति तो यह है पंजाब की तो अंग्रेज इतने आ जाएंगे हाँ हाँ एम एम ए डबल एम एम ए इंजीनियर कई असं देखिया सरकार वेले वेंदे रहे हैं इन्ने बड़े पढ़े लिखे लोग चपरासी की नौकरी से आते हैं इतने हालत इतने वो ही है सानू मुल्क नूं इंडस्ट्रीलाइज करना पवेगा बड़े पैमाने ते रुजगार के साधन पैदा करने पैणगे इहदा वड्डा हल तां इंडस्ट्री है जिन्ना चिर मुल्क नूं इंडस्ट्रीलाइज नहीं करांगे उन्ना चिर लोगों को कम नहीं दे सकांगे जे मुल्क नूं इंडस्ट्रीलाइज कर देंगे उदों बहुत लोग जुड़ जाएंगे चाइना क्यों बचिया इंडस्ट्रीलाइज करके बचिया मैं तो वेख के आ सारा सो इतने भी सानू इंडस्ट्रीलाइज करना पेगा घर घर काम देना पेगा पिंड पिंड काम देना पेगा जो वड्डी इंडस्ट्री लगेगी वो फिर निरे लोग होर जुड़ जाते हैं थले छोटा काम जुड़ जाता सो ये उन्ना चिर नहीं ठीक आना खेती तो नहीं कली तो गुजारा हो सकता जी कहीं खेती मुल्क नूं बचा दूगी बिल्कुल नहीं बचा सकेगी दुनिया का कोई मुल्क नहीं जिहड़ा खेती के उत्ते कामयाब होया होवे सारे मुल्क जिहड़े कामयाब आ इंडस्ट्री के तौर पर कामयाब है सो सानू भी जिन्नी छेती मुल्क नूं इंडस्ट्रीलाइज कर देण मैं मोदी साहब नूं अपील करदा इस मामले कि जिन्नी छेती मुल्क नूं इंडस्ट्रीलाइज कर देणगे वड्डे पैमाने ते उन्ना ही इंडस्ट्री लाने दिया लोगों को सहूलत देन वो माल की सप्लाई होवे कच्चे मिले पक्का बाहर जाए जिते लोड़ है तो यह इंडस्ट्री कामयाब होगी सो इंडस्ट्री लग गई काम भी लोगों को मिल जाएगा स्टेट को टैक्स भी आएगा तो बड़े फायदे होंगे। एक अपना जो सब तो वड्डा मसला है इस वेले देखो मुल्क की आबादी है जी 140 करोड़ तो टप गई है जी कि इन्नी संभव नहीं किसी मुल्क वास्ते चाइना तो बाद आप दूजे नंबर पर चाइना के नेड़े जाने वाले हैं सो जे मुल्क नूं बचाउणा है हुण इह वी सारयां नूं राय कर लैणी चाहीदी है सारियां पार्टियां नूं वी मुल्क दे हित दी गल है इकट्ठे हो जाणा चाहीदा एक दूजे नूं नीवा नहीं दिखाउणा चाहीदा जुरत करनी चाहीदी है सारियां पार्टियां नूं रल के भावें कानून बना देण पापूलेशन जिन्ना चिर असीं रोकांगे नहीं देश दी उन्ना चिर देश दा भला नहीं हो सकदा इन्नी वड्डी पापूलेशन नूं सांभणा साडे देश दे वास्ते है नहीं रोटी दी वी समस्या खड़ी हो जूगी इह तां पंजाब हरियाणा ने बचाता देश नहीं तां रोटी नहीं सी मिलदी असीं अमरीका तों कणक मंगाउंदे रहे हां पहलां बाहरों ये वास्ते देखो अपने को किन्ने मुल्क है आस्ट्रेलिया है 7 तों 7 गुणा वड्डा है तो पापूलेशन सारी 1.5 करोड़ है
तो उत्थे फिर आप ना ले दें आस्ट्रेलिया जी कनेडा जी अमरीका जी कनेडा की आबादी भी सारी 3.5-4 crore है तो मुल्क सा तो 3 गुणा वड्डा है। सो उन्होंने जो असी रीस करनी है सानू पापूलेशन से कंट्रोल करना पड़ेगा। चाइना ने कर लिया, सानू भी कर लेना चाहिए, सारे कट्ठे होकर मदद करनी चाहिए है। सब तो जो खतरे वाली गल पापूलेशन वध भी उन्होंने रही है जिन्हें को रोटी है नहीं, जिन्हें को रोटी देने के साधन है नहीं। जिहड़े अमीर बंदे उन्होंने तो हुण हरेक दे एक ही बच्चा है, किसी के दो है, जो लड़की पहला होगी तो दो है नहीं तो एक ही है। तो वो सानू चाहिए है कि गरीब लोगों वाल खास करके ध्यान देना चाहिए जो उन्होंने असं ना रलाना है गलों बातों का तो रलना नहीं। जो आप है उन्होंने उलझा दौ कद नरेगा के 2 रुपये उलझा दौ कद होर किसी निके निके कामों उलझा के उन्होंने बुरकी पाई चलो वो तो फिर ऐ ही रहेगा। उन्होंने खास करके ध्यान की लड़ है जो गरीब लोग है उन्होंने जरूर असं इस पास लाइए। जो उन्होंने भी एक बच्चा हो भी स्कूल वधिया पढ़ा लेंगे वो भी चंगा पढ़ा लेंगे। हूँ 7-7 बच्चे उन्होंने को रोटी का भी फिक्र है किमें पढ़ाएंगे। सो इस करके पापूलेशन वाल भी सानू गवर्नमेंट नू कट्ठे होकर सारिया पार्टियां ये देश दे हित दी गल है कट्ठे होकर इधर जोर लाना चाहिए। मैं तुहानू दस दिना मैं 97 जो मिनिस्टर बनया ना भी भाजी मैं सारे पार्लीमेंट के मैंबरों नू चिट्ठियां लिखिया सी इस मसले ते जिहड़ा तुसीं दस्सिया ये तो पहला ही लिखिया सी पर किसी का मैनू जवाब नहीं आया भी हाँ करांगे जां नहीं करांगे। एक का भी जवाब नहीं आया भी तुसीं चंगा काम कीता। हाँ तो 97 ही मैं तो चिट्ठी लिखी सी मिनिस्टर बन के पहली बार तो भी ये पापूलेशन ते तुसीं ध्यान दिओ सारे बोलते क्यों नहीं तुसीं पर किसी का जवाब नहीं आया मैंने भी हाँ ठीक है छोटी गल जा नहीं है जा गलत है कुछ भी नहीं आया। सो इधर तो जरूर बिल्कुल पापूलेशन रोक लिया तो असं सारा कुछ ही रोक लिया। सर विसाखी का मेला काफ़ी भारी लगता दमदमा साहब जिते पोलीटल पार्टियां आपका टारगेट रखते हैं व्डा कट करके जाते इस बार इदा देखने मिल रहा कि पोलीटिकल पार्टियां पासे हट रही तो मेले च हिस्सा नहीं लै रही या फिर कोई उत्थे एक्टिविटी नहीं कर रहे उस बारे की कहना चाहो। श्रोमणी अकाली दल का भी यही आया कि इलेक्शन तो तुरंत बाद आम आदमी पार्टी तो जीती है व्डे पैमाने तो सू एस पी तो करे उन्होंने MLA भी सारे शहीद इतों जीते ने बठिंडे तो साडा कांग्रेस ने तो करनी नहीं हूँ आपने भी कहता नहीं करनी तो असं भी पहला मन बनाया ना करिए आप ऐतकी की बारी क्योंकि हाड़ी का बहुत ज़्यादा जोर पै गया हाड़ी इस वे बहुत जोर ना आ गई जी इन्नी कदे अगे नहीं आई। सो फिर साढ़े बंद वर्करा के मन के आया भी चलो कोई नहीं भावें कट थोड़ा बहुत हो सकता घट हो चंगा भी हो सकता घट भी हो सकता तो भी आपू करनी चाहिए लोगों आपू संदेश देना चाहिए विसाखी है खालसे का जन्मदिन है इस दिन से आपू मना चाहिए। सो पहल साढ़े मन के भी शायद असी ना करिए फिर पार्टी के ज्यादा वर्करा की राय आ गई कि आपको करनी चाहिए है। सो असी 14 तरीक न दिन के 11 बजे तो लैके 2-2.5 बजे ती जो पुराना दवान हाल है अकाल तख्त साहब के पिछले पास उत्थे अपनी श्रोमणी अकाली दल वालों कानफ्रेंस असी अपने पूरे जोर न कर रहे हैं। हले ये तो नहीं असं कहते भी एक महीना होया कोई सरकार का बहुता कोई असी करिए बस असी ज्यादा धार्मिक इशू तुम्हें डिपेंड रखा तो खालसे का जन्म दिहाड़े तो लोगों को बधाई भी देवे। मैं भी अच्छे थोड़े चैनल राही भी सारी खालसा कौम में यह जो विसाखी होंगी है ये खालसे का जन्म दिहाड़े न जुड़ी हुई है साढ़े वास्ते तो सो वे मैं सारी खालसा कौम में अज्ते उन्होंने जन्म दिहाड़े उत्ते बहुत बहुत बधाई दिना तो आस करदा कि आने वाला समा साढ़े सारे वास्ते खुशियां खेड़े तरक्की लेके आवे साडा देश साडा सूबा तरक्की करे अगे नंगे लोग इतों के खुशहाल हो जी। धन्यवाद बहुत बहुत जी। ये साढ़े सिकंदर सिंह मलूका जी जुड़े सन इन्होंने आप गलबात की करंट मुद्दे से शब्द चैनल देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।